से के हार्ट में दो तरह के मसल, कार्डिक मसल में को हम तीन मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक एट्रियल मसल, दूसरा वेंट्रिकुलर मसल, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक और इंपॉर्टेंट, दैट आर द स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव फाइबर्स। अच्छा, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव हो गया, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव फाइबर की सिग्निफिकेंस ये है कि इनमें, अब ये दिस इज अनदर वाइबर पॉइंट, कि इनमें एक्टिन और मायोसिन ना होने के बराबर होते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स जिनको हम कहते हैं ना द कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट ऑफ द मसल, दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सिर्फ दे हैव द सेल एंड द सेल ऑर्गेनेलीज, द सोल पर्पस और प्रेजेंस ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव फाइबर्स और कंडक्टिव सेल्स इज टू ट्रांसफर द इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड टू द एडजेसेंट वेंट्रिकुलर मसल सेल्स और द एट्रियल मसल सेल्स। इनका सोल काम ट्रांसमिशन या कंडक्शन है, इसलिए ये, और इसकी प्राइम एग्जाम्पल इज द एवी नोड, द एवी बंडल जिसको बंडल ऑफ हिस्स कहते हैं, देन द बंडल ब्रांचेस, देन द पकिंजी फाइबर्स। इनके अंदर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। यू कैन से देयर आर नो एक्टिन एंड मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन देम, देयर जस्ट सोल पर्पस इज टू कंडक्ट, एंड दे हैव सो मेनी माइटोकॉन्ड्रियाज एंड अदर ऑर्गेनेलीज एंड आयंस, दे जस्ट सर्व द पर्पस ऑफ कंडक्शन रादर देन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो ये थर्ड टाइप ऑफ सेल भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव फाइबर्स, द पकिंजी फाइबर्स, द बंडल ब्रांचेस एंड ऑल दैट। अच्छा, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी बिकॉज वी नो जस्ट लाइक स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स एंड न्यूरॉन्स, ऑब्वियसली द कार्डिक मसल्स आर ऑल्सो एक्साइटेबल, मतलब के दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन पोटेंशियल, दे ऑल्सो हैव सम रेस्टिंग पोटेंशियल एंड देयर दैट रेस्टिंग पोटेंशियल ऑल्सो चेंजेस टू सम वैल्यू, भी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज द प्रॉपर्टी दैट द कार्डिक मसल ऑल्सो पजेस, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी, के वो एक्साइट हो सकते हैं, उनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अप इज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दैट वंस द कार्डिक मसल इज एक्साइटेड द रिजल्ट इज दैट दे कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन देम एंड द मसल लेंथ शॉर्टन्स एंड द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू देयर डीपोलराइजेशन। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिक मसल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल और नन लॉ, this is another property that is pretty much specialized to cardiac muscle cell, is that ki agar koi stimulus aata hai to if that stimulus is sub threshold to cardiac muscle contract nahi karega, if the stimulus is adequate the cardiac muscle will contract with the maximum force of contraction। ठीक है, देयर इज नथिंग के ये थोड़ा सा स्टिमुलस कम होगा तो कम कॉन्ट्रैक्ट डिग्री की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी या कम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आइदर द कार्डिक मसल विल रिस्पॉन्ड टू दैट एक्साइटेशन विद फुल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ठीक है, सो दैट इज द ऑल और नन लॉ फॉलोड बाय द कार्डिक मसल सेल। अच्छा, द नेक्स्ट अप इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसको हम डिटेल में अभी थोड़ा सा, इतनी भी डिटेल में नहीं, थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टरी। अच्छा, रिफ्रैक्टरी इट्स ऑल्सो टेकन फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड, इट इज एन इंग्लिश वर्ड और उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी बनाई है, एंड दैट मीन्स टू बी स्टबन या नॉन रिस्पॉन्सिव, जितना हम अक्सर क्लिनिकल कहते हैं दिस केस या दिस डिजीज इज रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट। ठीक है, कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही उस ट्रीटमेंट को, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड के हार्ड उस पीरियड में, उस टाइम इंटरवल में नॉन रिस्पॉन्सिव स्टबन, ठीक है, अड़ियल डीट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली द वर्ड रिफ्रैक्टरी मीन्स इन इंग्लिश। ओके, सो अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। Okay, next up is the most high yield point for today's lecture session, the cardiac muscle action potential or the typical ventricular action potential. सबसे important point है ये, आपसे हर जगह वाइवास में even draw करा के पूछ सकते हैं examiners, ठीक है, prof में even उनके पास paper होगा तो कहेंगे जी okay जी ventricular muscle या cardiac muscle के action potential draw करें। ठीक है, so please pay attention to the details of this point। ठीक है, बहुत important UQ है, class questions हैं, प्रॉफ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब भी आप कोई भी ग्राफ देखें बुक में या कहीं भी, सो फर्स्ट लुक एट द एक्सिस ऑफ द, दिस इज आई एम टेलिंग यू हाउ टू रीड अ ग्राफ, एनी ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू लुक एट द एक्सिस, यू नीड टू रीड द एक्सिस, द एक्स एक्सिस डिनोट्स द टाइम पीरियड इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, और वाई एक्सिस पे वी हैव द मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट्स पे। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, व्हेन आई सिंपली राइट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका मतलब होता है कि द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो पोटेंशियल इनर साइड,
इनर साइड की बात करते हैं, एंड वी नो दैट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एवरी एक्साइटेबल टिश्यू इज नेगेटिव, मतलब कि अंदर क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कम है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे एडजॉइंट करता हूँ, साथ में ऑगमेंट करने का पॉइंट है कि नॉर्मली द पॉजिटिव आयंस आर इन अबंडेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, पॉजिटिव आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड द मोस्ट अबंडेंट पॉजिटिव या कैट आयन प्रेजेंट इन द ईसीएफ इज सोडियम आयन, ठीक है। सो बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा है, अंदर पॉजिटिविटी कम है, ठीक है। अंदर पॉजिटिविटी होती है पोटेशियम की वजह से, ठीक है। सो पोटेशियम अंदर कम है, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज पे जाना है, यानी कि बहुत ही कोई अगर टॉपर लेवल पे जाना है तो आप इनकी वैल्यूज भी याद कर लें, 135, 10 या 135, 5, आई डोंट नो, खैर टॉपर नहीं होने से अच्छा, तो सम 135 टू 5 टू 8 है इनसाइड पोटेशियम। अच्छा एनीवेज, सो द थिंग इज कि बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा अंदर पॉजिटिविटी कम है, इसलिए रिलेटिव टू आउटसाइड द इंटीरियर इज नेगेटिव, सो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ऑल एक्साइटेबल टिश्यू इज नेगेटिव इनसाइड। अच्छा अब कॉन्सेप्ट ये है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात हो रही है मेम्ब्रेन के अंदर साइड पे। सबसे पहले टू स्टार्ट विद यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज कि इसकी फेजेस हैं, और इन फेजेस को हमने न्यूमेरिक से डिनोट किया हुआ है, न्यूमेरिक डिजिट से, सर जीरो फेज, 1, 2, 3, 4, इसको ऐसे पढ़ना है, 4, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है, हमेशा इसको 0, 1, 2, 3, 4 पढ़ना है, ठीक है। अभी हम आगे ऐसे नोट की पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट उसमें उसको डिनोट करेंगे डिफरेंट डिजिट से, इसको हमेशा पढ़ना है 0, 1, 2, 3, 4, राइट। अच्छा अब आप देखेंगे, अब आपने नर्व एंड मसल आप लोग पढ़ के हैं, यू by the look of it you get to understand that there is a difference between the skeletal muscle action potential and the cardiac muscle action potential, theek hai, aur uska main difference aapko kya cheez nazar aati hai is by the presence of this thing which is known as the plateau that is present in the cardiac muscle cell which is not present in the skeletal muscle. ye bahut differentiating factor hai aur this is the thing jahan par examiners aapko check karenge aur puchhenge ye kyun hai, ye kya hai, yahan pe question puchte hain. acha अच्छा अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हर फेज में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक्शन पोटेंशियल वी ऑल नो हैज टू कंपोनेंट्स, देयर इज अ फेज ऑफ रीपोलराइजेशन एंड देयर इज अ फेज ऑफ डीपोलराइजेशन एंड देयर इज अ फेज ऑफ रीपोलराइजेशन। द फेज ऑफ डीपोलराइजेशन मींस कि जो इंटीरियर में नेगेटिविटी थी वो अब पॉजिटिविटी में चेंज होना स्टार्ट हो गई है और इंटीरियर ऑफ द सेल इज नाउ बिकमिंग पॉजिटिव, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि द सेल एक्साइटेबल टिश्यू इज गेटिंग बैक टू इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बैक टू इट्स नेगेटिविटी स्टेट इनसाइड, ठीक है। ये एक बड़ी मोटी मोटी सी डिफरेंशिएशन, ये हमने नर्व मसल में भी पढ़ी होगी ऑब्वियसली। अच्छा सो टू कंपोनेंट्स, सो एक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, राइट। एंड वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डिक टिश्यू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहला है द जीरो फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अच्छा जीरो फेज से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कार्डिक टिश्यू का कितना होता है, दिस इज द वैल्यू, नॉट पूछी नहीं जाएगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज अंडरस्टूड कि आज ये सबको पता होता है, दैट इज -85 to -90, कुछ बुक्स -85 कहते हैं, कुछ -90 कहते हैं, सो आई जस्ट क्विकली राइट हेयर, एक मिनट टेक्स्ट लिखना है, आई क्विकली राइट हेयर -90 mV, ठीक है। सो दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द कार्डिक टिश्यू। अच्छा अब यहां से इसको +20 पे जाना है, द पोटेंशियल ऑफ द इनसाइड हैज टू स्पाइक अप फ्रॉम -90 to +20, एंड देयर इज अ चेंज ऑफ हाउ मेनी, 10, 0 पे आते होते 90 और फिर 20, 120 मिली वोल्ट का चेंज आता है व्हेन द कार्डिक मसल सेल डीपोलराइज। सो सीधा ये डिफरेंस है 90 से 0 पे 90 और फिर ऊपर 20, तो 110, सो 110 मिली वोल्ट का डिफरेंस आता है from the base resting membrane potential to the peak of the action potential. अच्छा अब the question is कि जो zero phase है ये क्यों है और इसका significance क्या है। पहली बात जो याद रखने वाली है कि the zero phase is due to opening of sodium fast voltage gated channels. बहुत important point, the zero phase or the spike or the uplift phase or the depolarization phase is due to the opening of sodium fast sodium or sodium fast voltage gated channel. ab ye har word ka ek maqsad hai, ion kaun sa involved hai, that is sodium. kya ye jo influx hoga sodium ka, kyunki bahar sodium zyada hai, humne discuss kiya ki bahar sodium zyada hai aur andar sodium kam hai, to bahar se andar aayega sodium,
क्या ये फास्ट अंदर आएगा स्लो आएगा? द आंसर इज फास्ट, बिकॉज द चैनल इज नेम्ड एज फास्ट सोडियम चैनल एंड द वर्ड वोल्टेज गेटेड का मतलब ये अभी आप पढ़ चुके नवम मसल में, द गेट और द चैनल दिस चैनल इज सेंसिटिव टू द चेंज इन वोल्टेज. जिस तरह ही जरा सा स्टिमुलस आया, पिछले सेल ने जरा सा उसको लीक किए थ्रू द गैप जंक्शन, जरा से आयंस लीक किए, उसका थ्रेशोल्ड साथ ही रीच हो गया, ये इतना इतना सिर्फ फर्क आएगा और साथ ही वो सोडियम चैनल वो सेंस करेंगे द वोल्टेज चेंज इन वोल्टेज को सेंस करेंगे और वो खुल जाएंगे एंड देयर इज अ रश और रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम टू द इंटीरियर ऑफ द सेल एंड दैट इज व्हाई दीज चैनल्स आर नोन एज सोडियम फास्ट वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड देयर इज एन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम कॉजिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू स्पाइक अप एंड रीच प्लस 20 मार्क. ठीक है, यहां पर अब हम पहुंच गए, यहां पर वी आर रीच्ड हियर. जब ये पॉइंट आता है प्लस 20 का, तो सोडियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड चैनल प्लस 20 पे जाके एकदम से बंद हो जाते हैं बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू द वोल्टेज. अब प्लस 20 का जो सेंसिटिव होते हैं ये जो जब सेंस करते हैं कि प्लस 20 पे चला गया है तो इमीडिएटली ये क्लोज हो जाते हैं इमीडिएटली, वे दे आर फास्ट टू ओपन, फास्ट टू इनफ्लक्स एंड फास्ट टू क्लोज. सो दे आर फास्ट और ये साथ ही क्लोज हो जाते हैं. अब हम फेज वन पे आ गए हैं. अब फेज वन का क्या कॉन्सेप्ट है? फेज वन को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फेज वन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. फेज वन पे इस फेज का नाम क्या है? पहली फेज का नाम है, आई जस्ट क्विकली ऐड के पहली फेज का नाम हम रख देते हैं, बल्कि रख के देते हैं, इट इज डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन, ठीक है. अच्छा, अब फेज टू का नाम है इनिशियल रिपोलराइजेशन. अच्छा, द वर्ड्स आर ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस. इनिशियल रिपोलराइजेशन, रिपोल लिख देते हैं. अच्छा, इनिशियल रिपोलराइजेशन मतलब कि रिपोलराइजेशन तो स्टार्ट हो चुकी है, ये तो वर्ड से हमें समझ आ गया. इनिशियल का मतलब है अभी शुरू ही हुई है. ठीक है, अब हमें ये पता है कि दिस इज अ फैक्ट कि रिपोलराइजेशन विल ऑलवेज बी कॉज्ड बाय पोटाशियम आयंस एंड द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयंस विल ऑलवेज बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बिकॉज देयर इज अ नेचुरल अबंडेंस ऑफ पोटाशियम इनसाइड द सेल. ठीक है, तो पहली बात तो हमें समझ आई, यहां पर पोटाशियम चैनल्स ने ओपन होना है और पोटेशियम चैनल कौन से हैं? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, जिन्होंने सेंस किया कि प्लस 20 आ गया है, अब रिपोलराइजेशन स्टार्ट करते नहीं चाहिए, पोटेशियम चैनल्स खुल गए. सो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन एंड देयर इज अ पोटेशियम आउटफ्लक्स. ठीक है, अब जिस तरह ये पोटेशियम आउटफ्लक्स स्टार्ट हुआ तो साथ ही ये डिप आना शुरू हो गया पोटेंशियल में. अब ये फेज 1 ही है, पोटेशियम के आउटफ्लक्स गेट खुलने के साथ देयर इज अ डिप रिपोलराइजेशन की तरफ. अब यहां पर आके ये यहां तक आया, अभी ये इतना फेज वन है, यहां से लेकर इफ आई चेंज द कलर, यहां से लेकर इतना ये फेज है फेज वन एंड दिस इज ड्यू टू पोटाश ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स कॉजिंग पोटाशियम आउटफ्लक्स एंड डिप्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ जो कि फेज अब टू स्टार्ट हुआ है. नाउ दिस इज नहीं दिस इज नॉट, अभी थोड़ा आगे है. तो एक मिनट, यहां से एक मिनट यार कहां चला गया. तो अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये है फेज टू. काइंडली अली अपना वीडियो ऑफ कर दो. ये है फेज टू, दिस एंटायर इज फेज टू. अब दिस फेज टू इज नोन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिफरेंशिएटिंग फेज इज द, पता नहीं क्या लिखा गया है, प्लेटू फेज. ठीक है जी, अब इस प्लेटू फेज में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज ओपनिंग ऑफ एल टाइप कैल्शियम चैनल्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाई यील्ड पॉइंट है, हाईएस्ट यील्ड पॉइंट है कि प्लेटू फेज में ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. इन्होंने ये वोल्टेज सेंस किया, वोल्टेज समवेयर अराउंड मे बी 10 to 15. ये जब सेंस हुआ 10 टू 15 वोल्टेज हुआ है तब ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए. अब इनकी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर नॉट फास्ट, दे आर स्लो चैनल्स, स्लो इन एवरी एस्पेक्ट, स्लो टू ओपन, स्लो टू कॉज कैल्शियम इनफ्लक्स एंड स्लो टू क्लोज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि दीज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जिनको हम स्लो कैल्शियम चैनल या एल टाइप कैल्शियम चैनल भी कहते हैं, या कुछ बुक्स में इसको कैल्शियम सोडियम चैनल भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सोडियम भी अंदर आ जाता है लेकिन मेनली कैल्शियम ही है. ठीक है, सो इसको कैल्शियम से याद रखना है. सो एल टाइप कैल्शियम चैनल आर स्लो टू ओपन, दे आर स्लो टू
cause influx, calcium influx, and they are slow to close. मतलब देखे ना, देर से खुले, इसी वक्त नहीं खुले, थोड़ा सा initial depolarization के बाद यहाँ पर जाके 10 से 15 millimolt के दरमियान जब potential हुआ तब ये खुले और इन्होंने क्या किया, calcium का influx कराना शुरू किया. तो देर इज calcium influx, calcium अंदर आना शुरू, मतलब यहाँ पर अगर बनाऊ तो calcium यहाँ से अब अंदर आना शुरू हो गया. ठीक है, अब उसने क्या किया, अब इस कॉन्सेप्ट को समझे कि नाउ ये वो फेज है कि पोटाशियम, एक मिनट इसको थोड़ा सा, पोटाशियम इज गोइंग आउट एंड वेयर एज कैल्शियम इज कमिंग इन. दैट इज द रीजन द मूवमेंट, ये बाहर जाके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करना चाह रहा है, रिपोजिशन कराना चाह रहा है, वो अंदर आके वो कहता है नहीं जी पॉजिटिविटी अंदर दोबारा बढ़ाओ, ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर रहे होते हैं. दैट इज द रीजन ऑफ फॉर्मिंग अ प्लेटू. ये सीधी जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन है, ये प्लेटू बनता है इस वजह से कि दोनों का इफेक्ट कैंसल हो रहा होता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल समवट सिमिलर या सेम रह रहा होता है उस दौरान. ठीक है, और साथ में बुक ये भी एड लिखा हुआ है कि इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इज एक्चुअली, अब क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम है तो स्लो, पोटेशियम ऑन द अदर हैंड इज फास्ट, दोनों वोल्टेज गेटेड है लेकिन पोटेशियम इज फास्ट वेयर एज कैल्शियम इज स्लो. तो पोटेशियम तो बाहर ज्यादा स्पीड से कैल्शियम फेंक रहा है, पोटेशियम फेंक रहा है, वेयर एज कैल्शियम अंदर स्लो स्लो आ रहा है, तो फिर भी क्यों कैंसिल आउट कर रहे हैं, फिर भी पोलराइज रीपोलराइजेशन या पोटेशियम का पलरा भारी होना चाहिए था, उसको फिर भी नीचे आना चाहिए था. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जिस तरह कैल्शियम इन्फ्लक्स होना शुरू होता है ना, वो पोटेशियम की परमिएबिलिटी कम कर देता है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो द परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम इज डिक्रीज्ड एज सून एज द कैल्शियम स्टार्ट्स टू एंटर. इस वजह से उस दौरान जब कैल्शियम अंदर आ रहा होता है तो पोटेशियम की परमिएबिलिटी कम हो जाती है और वो भी एक किस्म की स्लो ही आउटफ्लक्स हो रहा होता है. इस वजह से ये मोर और लेस प्लेटू अचीव होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में. और इस पॉइंट पे आके जब फेज टू खत्म होता है तो कैल्शियम आयन जो वोल्टेज गेटेड एल टाइप कैल्शियम आयंस हैं वो ये वाला पोटेंशियल सेंस करते हैं समवेयर अराउंड -10 और -15 और वो कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और वो कैल्शियम चैनल्स का इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल्स ऑन पोटेशियम परमिएबिलिटी जो कि पहले उसने डिप्रेस किया हुआ था पोटेशियम परमिएबिलिटी को, दैट इज एलिविएटेड, खत्म हो जाता है. जिसकी वजह से काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर दें, माइक्स ऑफ कर दें काइंडली. अच्छा, जिसकी वजह से नाउ द पोटेशियम गेन्स इट्स ओरिजिनल पावर एंड स्टार्ट्स टू आउटफ्लक्स पोटेशियम रैपिडली अगेन कॉजिंग अ रैपिड रिपोलराइजेशन. दिस थर्ड फेज इज नोन एज रैपिड repolarization. Just because the calcium is now gone, the permeability is now back to very high and the tremendous outflux of potassium causes a rapid downfall of the membrane potential aur usko wapas resting membrane potential mein le aata hai potassium ko bahar bhej ke. Aur the last phase is the phase 4, which is again the resting membrane potential, or resting membrane potential is again achieved, which is -90, and we all know that resting membrane potential कैसे establish होता है. वो I hope आपको बताऊँ कि उसमें फिर sodium potassium ATPase pump का role होता है. ठीक है, the maintenance जो आप नवन मास में पढ़ाते हैं, the maintenance of resting membrane potential, the establishment of resting membrane potential and the contribution of each ions, जो nerves potential हमने discuss कर रहे थे नवन मसल में, और वो फिर resting membrane potential achieve हो जाता है. So all those channels and nerves potentials of sodium potassium plus the sodium potassium ATPase pump की contribution leads to the establishment of resting membrane potential.